कोई भी शख्स अपने जिस्म पर आसानी से काला लिबास नहीं धारण करता। और रही बात कि हमारे जीवन की दास्ता क्या है, तो मैं अपने जीवन की दास्ता आपसे जरूर बताऊंगा। बताइए। सुनिए बाबा जी, सताया गम कमा रहा हूं, सताया गम कमा रहा हूं, शलाखे तोड़ कर आया, किया है राज्य पर कब्जा, कहर राजन पे है ढाया। हमारे राज्य का मंत्री, हमारे राज्य का मंत्री बना महाराज बैठा है, किया है कैद रानी को, कहर राजन पे है ढाया। फिर तो आप वाकई में झूठ बोल रहे हैं। आप डाकू कर्म सिंह नहीं बल्कि कोई और है। आपकी कहानी बता रही है कि आप अपना भेद छुपा रहे हैं, ये राज छुपा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वाकई में सच्चाई में आप कौन है बाबा जी। वाकई में भेष डाकू का है, भेष डाकू का है, और हकीकत सच्चाई हमारी क्या है, तो मैं कोई और नहीं, मैं राज्य सूरजगढ़ का वफादार सेनानायक ब्रजराज सिंह हूं। सच कहा आपने, वाकई में बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। मेरा दिल कह रहा था, यकीनन आज मुझे यकीन हो गया, सेनानायक ब्रजराज सिंह। अरे तुम्हें तो यह भी मालूम नहीं होगा कि मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूं। किस लिए बाबा जी? दरबदर की खाक छानता हुआ बहुत मुश्किल से मैं तुम तक पहुंचा हूं। मुझ तक पहुंचे हो? हाँ। अच्छा, बहुत ढूंढा तुम्हें। तुम्हारी बात में समझ नहीं पा रहा हूं बाबा जी। समझ नहीं पा रहे हो? हाँ। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बतलाएं आप। सुनिएगा कि ढूंढने तुमको, मुझको आप ही को सेना नायक ब्रजराज। अच्छा, आखिर क्यों? वो इसलिए कि ढूंढने तुमको आया मैं सेना पति, ढूंढने तुमको, ढूंढने तुमको आया मैं सेना पति, ढूंढने तुमको आया मैं सेना पति, और साथ में सब हमारे उठी पर चलकर हमारे मिलो बहन बिजली से। मेरी बहन बिजली, आपकी याद में दिन रात आंसू बहाती, खून के आंसू रोती है मेरी बहन बिजली। खाना पीना सब कुछ त्याग चुकी है, उसके होठों पर बस आप ही का नाम है। हर घंटे हर पहर सुबह हो शाम आपके नाम की माला जपती रहती है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये बात सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ रहा हूँ। वो क्यों? सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संतलाल है। संतलाल सपेरा। सपेरा जी, तुम्हारा नाम संतलाल सपेरा है जी। अच्छा, और तुमने अभी अभी कहा कि याद में तेरे बहना परेशान है जी, मेरी बहन का बुरा हाल है, और चलकर हमारी बहन बिजली से मिलो जी। तो बिजली तुम्हारी बहन है? मेरी बहन है हुजूर। तुम बिजली के भाई हो? मैं बिजली का भाई हूँ। अच्छा, अरे संतलाल जी, आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली से जब हमारी पहली मुलाकात घने जंगल में नदी तट पर हुई। अच्छा। शेर का हमला उस पे हुआ था, मैंने उसे बचाया। जब मैंने उसके खानदान के बारे में पूछा कि बिजली तुम्हारे खानदान में कौन है, माता पिता भाई बहन, उसने साफ शब्दों में बताया कि हमारे पिता के सिवा और कोई नहीं है। और आप बता रहे हैं कि मैं बिजली का भाई हूं? मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम बिजली के भाई हो? देखिए, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। वाकई में बिजली मेरी बहन है और मैं बिजली का भाई हूं। अच्छा, आप क्यों नहीं मेरी बात पर यकीन कर रहे हैं? तुम बिजली के भाई हो और बिजली तुम्हारी बहन है जी। एक बात ये बताओ,
क्या साबूत है, क्या साबूत है तुम्हारे पास कि तुम बिजली के भाई हो? मैं कैसे विश्वास कर लूं? साबूत है कोई साबूत तुम्हारे पास? हाँ एक साबूत है मेरे पास। क्या साबूत है? वो साबूत कोई और नहीं, ये राखी का धागा है। ये राखी का धागा जो मेरी बहन बिजली ने मेरी कलाई पर बांधी। अच्छा, ठीक रक्षाबंधन के पर्व पे तुम्हारी बहन बिजली ने अपने हाथों से तुम्हारे कलाई में राखी का धागा बांधा। अच्छा, अब तो आपको यकीन हो गया ना मेरी बातों पर। ठीक है, विश्वास हो रहा है, लेकिन हकीकत जानने के बाद जब तक मैं सच्चाई अपनी नजरों से नहीं देख लूंगा तब तक हमें विश्वास नहीं होता। ठीक है, अगरचे आप अभी भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारी कोठी पर चलिए। सच्चाई जो है दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा, अवश्य तब आप मेरी बात का यकीन करेंगे। अवश्य चलेंगे संतलाल जी हम आपकी कुटी पर, और चलकर वहां सच्चाई समझेंगे कि वाकई में बिजली तुम्हारी बहन है या नहीं। जी ठीक है साथियों, ये सच्चाई जानने के लिए हमें संतलाल जी की कुटी पर चलना है और वहां हमें बिजली से मुलाकात करना है। एक काम कीजिए, बूढ़े बाबा को अपने साथ ले लो। बूढ़े बाबा को साथ ले लो और हम लोग सबसे पहले मदन लाल जी के पास चलेंगे संतलाल जी की कुटी पे। चलिए, और हाँ मैं शॉर्टकट रास्ते से आ रहा हूं, थोड़ा दो बातें करना है, आप लोग चले और मैं सीधे कुटी पर आ रहा हूं। विक्रम बंदूक मुझे दे दे। रुक जाओ बहन कामनी, बहन कामनी एक मिनट, मैं चाहता तो उसी वक्त सब लोगों के साथ में चल देता, लेकिन रुकने का कारण है क्योंकि मैंने तुम्हारे चेहरे पर नजर डाला तो तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया और तुम्हारे चेहरे को ही देखकर मुझे रुकना पड़ा। मैं उस संतराल सपेरे से बात कर रहा था और जब मैंने तुम्हारी तरफ मुड़कर देखा तो तुम्हारे आंखों से आंसू की धार टपक रही है। क्या सच्चाई है? कैसा राज है कि सपेरे को देखकर बहन तुम्हारे आंखों से आंसू छलक रहे हैं? भैया अभी तक तो मेरी सोच यही थी सिर्फ कि मंत्री धर्राज सिंह को इस दुनिया से नाम निशान मिटा देना, उसके बाद में मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। लेकिन जब से सपेरे को देखी हूँ मुझे जीने की चाह मिल गई। क्या? हाँ। सपेरे को देखकर तुम्हें जीने की चाह? हाँ। ये जीने की राह कैसे मिली? मैं बताती भैया। तो जब से देखा सपेरे को भैया मेरे, जब से देखा सपेरे को भैया मेरे, सब्र दिल में हमारे नहीं हो रहा, और ये मेरा प्यार है लाल महाराज का। आप सपेरा समझते हैं वो सपेरा नहीं। अच्छा? बल्कि महाराज सूरसेन का बेटा युवराज वीरसेन है। वाह बहन वाह, आज पहली बार हमारी बहन कामनी अपने भैया के समक्ष पागलों जैसी बात कर रही है। सच कह रही भैया। अरे बहन, जिसे देखकर तुम आंखों से आंसू छलका रही हो और जिसे युवराज वीरसेन समझ रही हो, वो वीर सेन नहीं हो सकता है, क्योंकि धोखा खाती बहन है तुम्हारी नजर, धोखा खाती बहन है तुम्हारी नजर, याद दिल से कुमार की भुला दीजिए, मरने के बाद दरिया समाया है।
तुम जिसे युवराज वीरसेन बता रही हो, युवराज वीरसेन को पापियों ने नशीले सर्प से डसा कर मौत की नींद सुला दिया है, और युवराज वीरसेन की लाश को बेरहमी के साथ नदी में तैरा दिया है, और मरे हुए इंसान कभी जीवित नहीं हो सकते बहन। नहीं भैया, कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम अपने आंख से देखते हैं वो भी झूठ हो जाता है, और फिर मेरे प्यार की डोर इतनी कमजोर नहीं जो छूने से टूट जाए। मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि मेरा प्यार वीर से नहीं है। अच्छा, तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है। हाँ भैया। और तुम्हारे प्यार की डोर इतनी कमजोर नहीं जो छूने से टूट जाए। हाँ। अरे बहन कामनी, अगर ये तुम्हारा शक कहीं सच्चाई में बदल जाए तो तुम्हारे भाई के मस्तक में जो कलंक लगा हुआ है वो कलंक सदा के लिए छूट जाए बहन। आपके मस्तक पर कलंक? हाँ। मैं समझी नहीं। कलंक के बारे में बताऊंगा जब सच्चाई सामने आएगी तब। तो सच्चाई एक ही तरह से सामने आएगी। हाँ। इसी वक्त उसी की कुटी पर चलिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सत्य कहती हो बहन, वो लोग कुटी पर पहुँचने ही वाले होंगे और हमें शॉर्ट कट रास्ते से उनसे पहले कुटी पर पहुँच चलना है। चलिए बहन। क्या बताऊं, मेरे भैया और मेरे पिताजी मेरे पति की तलाश में गए हैं, अभी तक आए नहीं। अरे पिताजी क्या हुआ? बेटी बिजली तू घबरा मत, तेरा भैया आता ही होगा तेरे पति को लेकर के। ठीक है। ओ सपेरे, जब बिजली यहाँ आकर छुपी है तो हम लोगों को कैसे मिले? ये छुप नहीं हुजूर, ये मेरा घर है बाबू साहब। तुम्हारा घर है रामबली? एक काम करो, बिजली को छोड़ो और ये हमारा राज छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। राम राम बाबू साहब। तोरे राम राम का चाटी, सनीचर चढ़े काहे के बिजली को लिए यहाँ घूम रहे हो? तब साली सूरजगढ़ में कहाँ से मिले? हाँ रामली, चलो राज छोड़ो, ये बिजली का छोड़ो और तुम दूर देने यहाँ तेरा फुट चक्कर हो जाओ, निकलो। बाबू साहब मैं आपका राज तो छोड़ दूंगा लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। आ बेटी चलो मेरे साथ। रामली दबा देव गोटाई साले निपुर जाई है जगह अंगाली बंगाली की जात, साले मछली भात खाने वाले। एक घंटा से समझा रहा हूँ कि सलाउंडिया को छोड़ो, साले तुम तो बुढ़े हो ही गए हो, साले मशीन नाश कर रहे हो। जरा कुछ सोच समझ कर बोलिए हुजूर, मेरी बेटी है। तो हम कहाँ गए, तुम्हारे दुश्मन है रामबली। इस बुढ़े के रहते हुए हमारा काम नहीं बनेगा, इसलिए बिजली को इधर कराओ। कहाँ और उससे बाहर हो जाओ तो उसी को साले कहुनिया खड़े। चलो छोड़ो, भागो भागो यहाँ से। रामबली इसका काम तमाम कर देना चाहिए। राम जादे। किसने गोली से मारा है बाबा तुम्हें? किसने गोली से मारा? किसने गोली से मारा है बाबा तुम्हें? उसको दुनिया में जिंदा न छोड़ेंगे हम,
खा के कहता हूँ बाबा तुम्हारी कसम, मौत के घाट उसको उतारेंगे हम। बताइए बाबा, बेटा संतलाल बेटा, तुम्हारे बेटे जिनकी तलाश में गए बेटे क्या वो नहीं आए? मेरी बेटी के पति नहीं मिले क्या बेटे? बता बेटा। बाबा जी आप फिक्र मत कीजिए, वो आते ही होंगे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, बस आते ही होंगे, देख लो आगे तुम्हारे नजरों के सामने। ओ शंकरलाल जी, मेरे पिताजी को गोली लगी। अरे मदनलाल जी के बदन से लहू निकल रहा है, क्या हुआ मदनलाल जी को? बेटा गोली मार दी मेरे बाबा जी को। ये कौन है बेटे? बाबा जी ये वही है जिनकी तलाश में मैं गया था, सेना नायक ब्रजराज सिंह। नहीं बेटा, मेरी बेटी का पति ये इंसान नहीं हो सकता बेटे। मेरी बेटी का पति देशभक्षक नहीं देश रक्षक था। ये इंसान तो बहन बेटियों के सुहाग सिंदूर उजाड़ देने वाला, छोटे छोटे बच्चों को काट कर फेंक देने वाला, गरीबों का घोल लूटने वाला, ये एक डाकू है बेटा। नहीं बाबा, अपनी जवान पर ऐसा शब्द मत लाइए बाबा। आप जो अपने दिल में सोच रहे हैं ऐसा नहीं हूं मैं ना तो बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला हूँ और ना मासूम बच्चों को काट कर फेंकने वाला हूँ बाबा। मजबूरी बस अपने जिस्म पर काला लिबास मैंने धारण किया, मैं कोई और नहीं, इसी मुल्क सूरजगढ़ का मैं रक्षक वफादार, मैं सेना नायक ब्रजराज सिंह हूँ बाबा, मैं ब्रजराज सिंह। वीरवर, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान न सका। आपके आ जाने से हाँ हमारी दो दो मंजिलें आसान हो गई। हमारे आने से आपकी दो मंजिलें आसान हुई? हाँ हुजूर। आपके कहने का मतलब मैं नहीं समझ सका बाबा। इस लड़के को आप देख रहे हैं ना बाबा जी? ये आपका बेटा संतलाल? नहीं नहीं, ये हमारा बेटा नहीं है। हा? इसका नाम संतलाल नहीं है, इसका नाम वीरसेन है। क्या कर रहे हैं बाबा? मैं बता रहा हूँ बेटा, जो राज छुपा है। एक बार मैं इस बच्चे को बहती हुई नदी में, नदी के किनारे बेहोशी हालत में पाया था। बेहोशी हालत में? और इस बच्चे के सारे शरीर में जहर ही जहर फैला था, एक सर्पिंड जैसा था। और इस बच्चे को मैं ठीक किया और ठीक करके इसका नाम बदल करके इसे अपने साथ लिए घूम रहा हूँ। ये हमारा बेटा संतलाल नहीं है हुजूर, ये महाराज का बेटा है। धन्य है बाबा, आप महान है बाबा, आप मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि भगवान है बाबा, जो कि आपने महाराज के कुल की निशानी, महाराज के कलेजे के टुकड़े को आप अपने कलेजे से लगा कर रखा, पुनः जीवन दान देकर आप अपनी शरण में रखा। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा बाबा, सदा आभारी रहूंगा। और इस बच्चे से मैंने कभी वादा किया था कि बेटे मैं तुम्हें एक दिन राज दरबार ले चलूंगा, तुम्हारे माता पिता से मिलाऊंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। लेकिन आज मुझे हराम खोर मंत्री मेरे सीने को गोलियों से छलनी कर दिया है। हाँ बाबा, आपने अपने दिल में जो सपना सजाया था और जो आपने बच्चे को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे माता पिता से मैं मिलवाऊंगा, वो आपका वचन अधूरा नहीं होगा, आपका वचन मैं पूरा करूंगा। बच्चे को अपने साथ ले जाकर इनके माता पिता से मैं मुलाकात करवाऊंगा बाबा। धन्य है बेटा। और एक मेरी दूसरी शर्त है, आप मेरी बेटी बिजली को जानते हैं ना? आपकी बेटी बिजली को जानता ही नहीं बाबा, बल्कि वो हमारे दिलो दिमाग में समाई, उससे मैं अपने पलकों में सजा कर रखना चाहता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बेटी बिजली आपको सुहाग, आपको अपना सुहाग और सिंदूर मान चुकी है। क्यों नहीं बाबा, इस बूढ़े बंगाले की, इस बूढ़े बाप की आपसे प्रार्थना है कि मेरी बेटी बिजली को अपना लेना। बाबा आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको जवान देता हूँ, भले ही मैं कौम का छत्री हूँ और आप कौम के बंगाली है, लेकिन इस बीच जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखूंगा,
आपकी बेटी बिजली को मैं सदा अपनी पलकों में सजा कर रखूंगा। धन्य है मेरे देश की छत्री खानदान के लोग। मुझे नाज है कि जब तक हमारे देश में ऐसे छत्री खानदान के लोग जिंदा रहेंगे हमारा देश कभी गरीब नहीं होगा। लेकिन बेटा हमारी बेटी बिजली को ओहराम खोर मंत्री और दरबार का दरबारी उसे घसीटता हुआ राज दरबार की तरफ ले गए। उसे बचा लो बेटा। घबरा नहीं, मैं इसी वक्त जाऊंगा और आपकी बेटी बिजली को उन पापियों के जंगल से मैं बचाऊंगा बाबा। बेटे संतलाल निहाल गया बेटे, तुझसे किया हुआ वादा नहीं पूर कर सका, तुझे तेरे माता पिता से नहीं मिला सका बेटे। इस बूढ़े बंगाली से बेटा अगर कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना। नहीं बाबा, अब मेरे पास वक्त नहीं है बेटे। नहीं बाबा, बाबा वो जाता मुझे कौन ला रहा। बेटे जिन्होंने पुनः जीवन दान देकर तुम्हें अपनी गोद में बच्चे की तरह रखा, आज वो तुम्हारी गोद में अंतिम सांस ले चुके हैं और इनकी लाश का अंतिम संस्कार हम लोग सम्मान के साथ करेंगे और इनकी समाधि बनाकर हम इनकी पूजा जीवन भर करेंगे। ले चलो सबसे पहले इनकी लाश का अंतिम संस्कार हम लोग सम्मान के साथ करेंगे। तुम्हें पाकर मैं धन्य हुआ, तुम्हारी वजह से आज मैं इस हालात पर हूं, लोगों की नजर में खूनी हत्यारा मैं साबित हूं। लेकिन बेटे तुम मुझे मिले तो समझो हमारी खुशियां पुनः वापस आ गई। बेटे पुनः वापस आ गई। और हां एक बात मैं पूछना चाहता हूं, ये बताओ बेटे तुम्हारे राज्य का रहने वाला एक भीखू नाम का जो किसान था जिसकी बेटी का नाम काजल था, क्या उस काजल नाम की लड़की को तुम जानते हो? मैं काजल को जानता ही नहीं बल्कि उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, आज भी उसकी मोहब्बत मेरे दिलो दिमाग में है, लेकिन ना जाने मेरी काजल कहाँ होगी, किस हालत में होगी। शायद ऊपर वाले ने हमारी तकदीर में मिलने के सिवाय बिछड़ना ही लिख दिया है चाचा। नहीं बड़े निराश मत हो, कहते हैं कि प्रभु के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वाकई में तुमने काजल से सच्ची मोहब्बत किया है और काजल ने भी तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, इसलिए जो दो शख्स सच्ची मोहब्बत करते हैं उन्हें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। रही बात कि तुम्हारी मासूका उस पर जुर्म ढाया गया, तुम्हारे राज्य का मंत्री धनराज उस पापी ने निर्दयी बनकर उसके बाप की जिंदगी छीन लिया और बेचारी को खींच कर झाड़ियों में ले गया, उसकी इज्जत को बर्बाद करना चाहा, लेकिन प्रभु को नहीं मंजूर था। अच्छे मौके पर मैं पहुंच गया बेटे और माने पहुंच कर उस बेचारी को बचा लिया, वरना आज समाज में कहीं वो सर उठाकर बात करने लायक न रहे। कहां है मेरी काजल? घबराओ नहीं बेटे, माने उसे कहीं बाहर नहीं अपने ही पास माने शरण दिया। जब वो आत्महत्या करने पर तैयार हुई तो माने कहा, नहीं बहन, आत्महत्या करना बुजदुरी का काम है, तुम्हें मैं सहारा दूंगा। माने उसे अपनी धर्म की बहन बनाया। आज जो हमारे ग्रह में ये खुखार शेरनी डाकू कामनी के नाम से है, ये डाकू कामनी नहीं तुम्हारे दिलो दिमाग के समाई तुम्हारी मासूका, वही तुम्हारी ये काजल है बेटे। सच में मुझे पूरा भरोसा है और मेरा दिल नहीं मानता था कि तुम्हें कुछ हो गया, बल्कि पूरा विश्वास था कि इस दुनिया में तू जिंदा हो, क्योंकि जब तक मेरी सांसें हैं तब तक तुम्हारी सांसें हैं। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ भैया की वजह से, अगर इनका शरण पर नहीं मिलता मुझे
तो शायद इस दुनिया में नहीं होती। भैया मैं आपसे कहती थी ना कि मेरे प्यार की डोर इतनी कमजोर नहीं जो छूने से टूट जाए। वाकई में काजल, तुमने आज ये सच्चाई साबित कर दिया कि प्यार और मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि एक दूजे से मोहब्बत करने वाले कभी एक दूजे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन भैया एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। हाँ? आपने कहा था मेरे मस्तक जो कलंक टीका लगा है। हाँ बहन, वो क्या है? वो कलंक का टीका जो था। हाँ? वो कोई और नहीं, युवराज वीर सेन की वजह से। पापी धनराज ने युवराज वीर सेन को मेरे बंगले पर सर्प से डसा कर मारा था और गुनहगार अब जस का भागीदार मैं बना। राजमाता की नजर में, लोगों की नजर में गुनहगार मुझे बनाया गया और आज सच्चाई सामने आ गई। युवराज वीर सेन जीवित मुझे मिल गया तो मेरे मस्तक पे जो कलंक लगा था वो कलंक दूर हो गया बहन। अब मैं भली भांत इनके माता पिता के पास इन्हें ले चलूंगा। युवराज वीर सेन को देखकर राजमाता व इनके पिता का दिल खुश हो जाएगा और हमारी वफादारी उनकी नजरों में कायम हो जाएगी। ठीक है भैया, चलो यहाँ से इसी वक्त चलते हैं क्योंकि वो पापी धनराज हमारी मासूम का बिजली को खींच कर ले गया और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भावर डाल दे तो हमारा प्रण अधूरा रह जाए। भैया देर करने का वक्त नहीं है, अब इसी वक्त चलिए और आज उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हाँ बहन, और चलो तुम अपने पिता की मौत का बदला भी शौक से उस कुत्ते से ले लेना। चलिए आओ इसी वक्त बहन। जय भवानी माता।